जनता का देख रहे सभी दर्शकों का मैं निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हैं वो शुरू हो चुके हैं और इन चुनावों को लेकर के हरियाणा में भी सतर्कता बढ़ती जा रही है। करनाल जिला प्रशासन ने जितने भी उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हुए नाके हैं उन पर नाके लगाए हुए हैं और पुलिस तैनात की गई है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी तैनात कर दिए गए हैं। आने जाने वाले जितने भी वाहन हैं उनकी चेकिंग की जाती है कि कहीं उसमें कोई संदिग्ध चीज लेकर के नहीं जा रही है। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये जो इस समय देख रहे हैं आप, ये दृश्य इस समय आपको चेकिंग का दिखाया जा रहा है। चेकिंग हो रही है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पर हैं। जितने भी वाहन हैं उनकी जो गाड़ियां हैं वो खोल करके उनकी तलाशी ली जा रही है। ये देखिए, एक एक चीज की तलाशी लेने का जो क्रम है वो चल रहा है। पुलिस मौजूद है और बड़ी सजगता से, बड़ी सतर्कता से यहाँ जो तैयारी की जा रही है। देखिए, इधर से भी वाहन आ रहे हैं और ये सीधा लाइव आप जनतालका पर देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप खबर को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये इस समय ये जनतालका पर सीधा लाइव आपको दिखाया जा रहा है। ये इधर से वाहन आ रहे हैं और इस समय ये जो गाड़ियों की चेकिंग का जो क्रम है वो चल रहा है। इधर से गाड़ियां जो उत्तर प्रदेश की सीमा को जा रही हैं वो आई हुई हैं और उनको साइड में लगा करके उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। विशेष तौर पर जो अवैध रूप से शराब है उसकी रोक को लेकर के, और यदि कोई दूसरी जो जिन पे रोक लगाई हुई है जिन वस्तुओं पे, उनको नहीं ले जा रहे। विशेष तौर पर हम आपको बताना ये भी चाहेंगे कि जैसे कई बार नकदी ले जाने की बात होती है, शराब ले जाने की बात होती है, उसकी जांच हो रही है और कोई संदिग्ध चीज कोई ना ले जाए वो भी जांच यहाँ की जा रही है। गाड़ी खोल करके उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाती है। ये सीधा लाइव इस समय जनता हलका पर आपको दिखाया जा रहा है। इस समय हम शेरगढ़ टापू का जो चौकी है, बैरियर जो लगाया हुआ है, वहाँ पर मौजूद हैं और ये सीधा यहाँ के बाद जो उत्तर प्रदेश की सीमा यहाँ लग जाती है और इस सीमा पर से होकर के जितने भी वाहन जाएंगे उनकी जांच इस समय ये की जा रही है। और ये वाहन आप देख रहे हैं, जो गाड़ियाँ हैं वो देख रहे हैं, यहाँ जो पुलिस है मौजूद उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे और यहाँ जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे। और ये जो सारे हालात हैं, ये किस तरह के हालात यहाँ बने हुए हैं, ये चुनाव को लेकर के है या और कोई वजह है? ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब, जनता हलका पर आपका स्वागत है जी। ये अभी जो माहौल की बात आपने की है, ये जो मेनली है, अभी यूपी में इलेक्शन है, जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन है वहाँ पे 10 तारीख को है। उसके मद्देनजर रखते हुए डीसी साहब ने हमारी ड्यूटी लगाई है, मेरी मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाई है। मेरे साथ अभी यहाँ कुंजपुरा पुलिस चौकी के पुलिस के साथी हैं, जो दो इसमें ड्यूटी दो टाइप की है, एक तो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, उसके बाद दूसरा ड्यूटी मजिस्ट्रेट रात को 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक। इसमें मेनली क्या है कि शराब की तस्करी ना हो और हरियाणा से यूपी में कोई भी शराब, अवैध शराब की तस्करी ना हो, उसको रोकने के लिए मेनली हर गाड़ी की चेकिंग जो भी हरियाणा से यूपी, यूपी से इधर आ रही है, सभी गाड़ियों को रोक कर और उसकी पूरी तरीके से हमारे सामने ही चेकिंग की जा रही है, ताकि कोई शरारती तत्व या कोई भी व्यवधान इलेक्शन में ना आए और मेनली जो है यूपी में जो है अवैध शराब कोई ना ले जाए, उसके लिए हर गाड़ी को रोक के पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है। ये कब कब चेकिंग आप करते हैं, ये कोई टाइमिंग है इसकी, कोई जांच पड़ताल के लिए आपकी, या 24 घंटे यहाँ चल रहा है इसके लिए? ये जो चेकिंग का अभियान है ये 24 घंटे के लिए, ये सुबह 9 बजे से दो शिफ्ट में यहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट ड्यूटी कर रहे हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। नाइट में फिर 9 बजे के बाद दूसरे मजिस्ट्रेट और दूसरा स्टाफ पुलिस का आता है, वो 9 बजे से रात को लेकर सुबह 9 बजे तक 24 आवर्स ये चेकिंग चलती है और हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। अच्छा, कुछ मिला भी है? कब से आप चेकिंग कर रहे हैं, कुछ मिला भी है क्या? अभी कल से मेरी ड्यूटी है यहाँ पे, अभी ऐसा कुछ नहीं मिला है। एक फौज का बंदा जो आया था वो लीगल तौर पर जो है एक दो बोतल जो है उसके पास उसका कार्ड था, वो उसको एक बार वो मिला, एक दो बोतल वो ले गया, उसके बाद कोई ऐसा कोई नहीं मिला है। अच्छा, आप लोग जो भी यहाँ आते हैं, जैसे वाहन आ रहे हैं, उनकी जांच पड़ताल कोई हर व्यक्ति की होती है या कुछ लोगों को आप आधार पर छोड़ भी देते हैं कि उनमें कोई शंका नहीं है, कुछ इस तरह की? नहीं, शंका वाला इसमें कोई मैटर नहीं है, यहाँ पे हर गाड़ी की हर उसकी चेकिंग हो रही है।
पूरी मात्रा में यहाँ पुलिस बल तैनात है और हर गाड़ी को ही रोक के चेकिंग की जा रही है। 24 आवर्स है। अच्छा, कहीं कोई झगड़ा होने की आशंका भी रहती है यहाँ? कोई कहीं कई बार जैसे लोग नहीं रुकते हैं, कुछ ऐसा भी घटना नहीं? ऐसा एक बार अभी आज सुबह एक बार ऐसा हुआ कि स्पीड में गाड़ी आगे निकाल ली, तो नेक्स्ट जो यूपी वालों की तरफ जो चौकी है उसको फ़ोन किया, वो गाड़ी दोबारा यहाँ पे रास्ते में ही रोक ली थी, वापस ले जाके उसका चलान भी किया। क्योंकि जो भी दर्शक हमारी इस खबर को सुन रहे हैं, हम उनको ये बताना चाहेंगे कि जो पुलिस है वो पूरी तरह से चौकस है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट का यहाँ नियुक्ति है और ड्यूटी मजिस्ट्रेट दो यानी शिफ्टों में काम कर रहे हैं। 24 घंटे नाके पर चेकिंग चल रही है और ये चेकिंग का सीधा लाइव भी आप इस समय देख रहे हैं। कोई भी वाहन आएगा उसको बिना जांच पड़ताल के जाने नहीं दिया जा रहा है। ये देखिए, एक एक चीज़ की जांच पड़ताल हो रही है। विशेष तौर पर हरियाणा सरकार ने जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता हुआ क्षेत्र है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और उस चुनाव के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश में कोई किसी तरह की शराब अवैध रूप से ना जाए, कोई हथियार वगैरह ना जा पाए, कोई पैसे वगैरह ना जा पाए, इस तरह की पूरी जांच पड़ताल आप देख रहे हैं ये हो रही है और ये लगातार 24 घंटे चल रही है। पुलिस के जो जवान हैं उनकी ड्यूटी यहाँ है और ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी यहाँ, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने यहाँ जो है चेकिंग होती है। देखिए, पुलिस के जो जवान हैं उनसे हम जानना चाहेंगे, आप ये कब कब चेकिंग करते हैं ज़रा ये बताइए? ये 24 घंटे चेकिंग होती है सर, दिन में भी रात में भी, कोई वाहन बगैर चेकिंग के नहीं जाता, हर वाहन की चेकिंग करके छूटते हैं। अच्छा, आप 24 घंटे की चीज़ और भी 24 घंटे आप ड्यूटी देते हैं, तो आप 24 घंटे कैसे आप जो है ना ड्यूटी दे पा रहे हैं? सर, दो दो शिफ्ट में ड्यूटियाँ हैं। अच्छा, एक शिफ्ट दो घंटे एक शिफ्ट खड़ी होती है, दो घंटे एक शिफ्ट। अच्छा, शिफ्टों में यानी ड्यूटी है। देखिए, ये सिर्फ इसलिए है कि जो यूपी का चुनाव है वो कहीं प्रभावित ना हो जाए। एक और जो पुलिस के जवान हैं वो मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि आप जो है जो भी वाहन आता है क्या सभी वाहनों की जांच करते हैं? सभी वाहनों की जांच करते हैं जी। अच्छा, ये कैसे निर्देश कैसे मिले आपको, ये कब से मिले हुए हैं? अफसरों के आदेश है जी। कब से लगाए हो नाका पे? अभी ये 3-4 दिन पहले ही आए हम तो। अच्छा, एक चीज और भी समझना चाहेंगे, यहाँ जो आप ड्यूटी देते हैं कुछ इस ड्यूटी के दौरान कोई आप लोगों को जैसे मानसिक रूप से परेशानी भी होती है? अभी खड़े ही हैं 24 घंटे और यहाँ जो लोग हैं लोगों से बातचीत भी होती है, कई बार ऐसे भी किस्म के लोग आ जाते हैं जो आपकी बात नहीं सुनते और ऐसे ही वाहन दौड़ा ले जाते हैं, ऐसे भी होता है क्या? हाँ, होता है ऐसे। अच्छा, आती है दिक्कत, ले जाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों का कोई मन में ऐसी बात तो नहीं है किसी को परेशान करने? नहीं, ऐसे कोई जो वाहन चालक इधर से निकलते हैं आप उनको क्या कहना चाहेंगे? वो रुक के अपना चेकिंग करवाएं प्रॉपर और उनको कोई परेशानी नहीं आएगी चेकिंग के दौरान। अच्छा, एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे, क्या किसी चीज़ की जांच करते हैं? कोई भी अवैध चीज़ सप्लाई नहीं होनी चाहिए हरियाणा में, जैसे शराब वगैरह मेन नशे की जो चीज़ है वो सप्लाई नहीं होनी चाहिए, या कोई इस तरह का हथियार वगैरह हो या और भी कोई चीज़ जो जिस पर प्रतिबंधित चीज़ें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी कानून के द्वारा प्रतिबंधित चीज़ें हैं। तो ये कब तक आपका चलेगा, जब तक चुनाव है या बाद में भी हो सकता है? हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, चुनाव में कोई भी जो लोग हैं कोई भी ऐसी गतिविधियां ना हो पाए जिससे चुनाव प्रभावित हो, उसको रोकने के लिए हरियाणा सरकार भी पूरी तरह से सतर्क है, सजग है। और विशेष तौर पर करनाल जिला, क्योंकि ये जो जहां हम खड़े हैं ये इस समय करनाल जिले का हिस्सा है और ये जो शेरगढ़ टापू है ये वो गाँव है और इस टापू गाँव में जो नाका लगा हुआ है यहाँ पर चेकिंग चल रही है। जिला करनाल पुलिस ने यहाँ जो पुलिस के पूरी नफरी भेजी हुई है और ये जो पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, इनकी शिफ्टों में ड्यूटी लगती है ताकि 24 घंटे चेकिंग की जाए। जैसे अभी एक ये वाहन आ रहा है, इस वाहन की देख जांच हो रही है, ये इस वाहन में क्या ले जाया जा रहा है और पूरी तरह से जाँच पर करने के बाद ही यहाँ से वाहन को गुजरने दिया जा रहा है। ये सीधा लाइव देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की सीमा की तरफ जो भी वाहन जाता है उनके उनके जो सामान है उनका वाहन है उसमें क्या क्या सामान है उसकी जांच होती है। देखिए, उस जांच में कहीं कुछ इस तरह की चीज़ ना चली जाए। ये देख, पानी है, क्या है, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? दूध गैर का है जी। कहाँ जा रहे हैं? यहाँ यूपी जा रहे हैं। यूपी से लाए थे दूध जी? अच्छा, तो ये देखिए, दूध ले जा करके दूध लाए थे और ये दूध डाल करके वापस जा रहे हैं। अब इसकी एक एक वाहन की यहाँ चेकिंग हो रही है और ये चेकिंग इसलिए हो रही है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति यहाँ से ना गुजर पाए और कोई भी संदिग्ध सामान लेकर के यहाँ से ना जा पाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ये चुनाव 10
फरवरी को होने वाले हैं, 14 फरवरी को भी होने वाले हैं। ये चुनाव धीरे धीरे जो इस क्षेत्र को जो टच करता हुआ क्षेत्र है, जहाँ जहाँ भी ये चुनाव होंगे, जब चुनाव समाप्त हो जाएगा तो हो सकता है इस नाके की समाप्ति हो जाए। लेकिन जो पुलिस है वो इस समय उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रभावित करने वाले वस्तुओं, जो ले जाने वाला व्यक्ति अवैध रूप से, उस पर नज़र रखे हुए हैं, और जो चुनाव में संदिग्ध चीज़ें ले जाने वाले व्यक्ति हैं उन पर नज़र रखे हुए हैं। ये नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव कराना है तो उस निष्पक्षता के साथ हरियाणा की सरकार भी उत्तर प्रदेश की सरकार का सहयोग कर रही है। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ MS निर्मल।